दोस्तों 17 मई 2021 का बात है। कोरोना का टाइम था, जब कहीं पे कुछ काम ना होने के कारण मैं और मेरे कुछ दोस्त जो है हम तमिलनाडु एक कंपनी में काम करने के लिए घर से निकल पड़े थे। यह वो समय था, वह दौर था जब कहीं पे किसी को कोई काम ना मिलने की वजह से काफ़ी लोग जो है अपने जगह से बाहर की ओर काम के लिए प्लान कर रहे थे। उस वक्त का समय है जब हम सफ़र कर रहे थे, तो एक व्यक्ति हमारे साथ काफ़ी क्लोज हो गया और वह इतने क्लोज हो गया कि अपने भाई बंधु के तरह हमारे साथ कुछ पल गुजारे और कुछ उन्होंने बातों को शेयर किया। तो उन बातों को जो हमारे साथ उन्होंने शेयर किया, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अरे ऐसा एक वाक्या है जो कि आप लोगों का दिल दहला देगा सुनने के बाद। मैं हूं कुंदन, आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे इस कुंकू फैक्ट चैनल पे। इस चैनल पे आपको ट्रू फैक्ट और रियल न्यूज मिलते हैं, जो कि स्टोरी मैं आपके लिए ढूंढ के रहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस चैनल पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह ट्रू कंटेंट जो है मैं फ्यूचर में भी आपके लिए ला सकूं। और जैसे ही मैं कंटेंट लाऊं तो आपको वह नोटिफिकेशन पहला मिल सके। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। दोस्तों ये लगभग 35 साल पहले की बात है। झारखंड का एक जिला सिंहभूम के बहुत ही अंदर एक छोटा सा गाँव पड़ता है। एग्जैक्ट तो उस गाँव का नाम हमें पता नहीं है, क्योंकि जो उन भाई ने बताया उसके हिसाब से उनको उस गांव की सही से जानकारी नहीं थी। उनके ही बताए गए इस स्टोरी को मैं आपका वहां आज दोहरा रहा हूं। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वह मेरे दिमाग में इस तरह बैठ चुका है कि मैं लगता है कि उन सभी चीज़ों से मैं ही वहां से गुजरा हुआ हूं। तो जो भी उन्होंने कहा उस चीज़ को मैं आज आपके सामने दोहरा रहा हूं। तो जो गांव उन्होंने बताया था, उस गांव में पानी का किसी तरह का कोई साधन ना होने के कारण लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था। बड़ी किल्लतों से जो है पानी उनको नसीब होता था। अब क्योंकि वह गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा होने के कारण और किसी तरह का सब सुविधा ना होने के कारण कोई चापाकल भी वहाँ उस अंदर जंगल तक नहीं पहुंच पाता था, उस सुविधा नहीं मुहैया कराया जा सकता था। तो वहाँ के कुछ लोगों ने जो है सभी मिलकर ये डिसाइड किए कि वहाँ पे एक छोटा सा तालाब या डैम टाइप का एक बनाया जाए, जहाँ पर पानी संग्रह कर किया जाए, ताकि नहाने धोने का सुविधा ना हो, किल्लत ना हो, या खेती बाड़ी के लिए वहाँ से पानी का किसी तरह का सुविधा ना हो। तो यह सोचकर जो सभी ने गाँव वालों ने आसपास के गाँव वालों ने मिलकर मीटिंग किया और एक एप्लीकेशन जो है लिखकर सरकार को उन्होंने फॉरवर्ड किया। सरकार ने उनके इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, और जैसे ही उनके इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई तो उनका जो खुशी है वह फूले नहीं समा रहा था। सभी ने ये चीज़ सोच लिया कि हाँ चलो अब जो है हमारा गांव में पानी आ जाएगा, किसी तरह कोई असुविधा नहीं होगी, खेती बाड़ी के लिए हम लोगों परेशानी नहीं होगी। यह सोचकर सभी खुशी से झूम उठे थे। मगर वहाँ एक ऐसी घटना होने वाली थी जिनसे वहाँ के आसपास के लोग, गांव के लोग सभी इस चीज़ से अनजान थे, और आज भी इस चीज़ से वहाँ के लोग अनजान ही हैं, जिसका जो है आज तक किसी को भी पता नहीं कि वह डैम किस तरह तैयार हुआ और वहाँ ऐसा कौन सा घटना हुआ है, जो कि आज तक किसी को नहीं पता। जो फेस किया, जिन्होंने सामना किया उस चीज़ को, वही ये चीज़ को जानते हैं, और वह जो है कभी इस चीज़ को अपने जबान से बाहर नहीं निकालना चाहते थे, मगर दिल में इतना बोझ उन्होंने दबा रखा था कि अगर उसे नहीं निकालते तो ज्वाला की तरह वह बोझ जो है दिल का बोझ उनके दिल में ही दफन हो जाता और फट जाता शायद। उसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि कहीं न कहीं जिससे भी अगर करीबी हो तो उनसे वह ये दिल का बात जो है हल्का कर सके और अपना
तकलीफ जो है किसी के सामने सुना के अपना जो पापों का बोझ हल्का कर सके। यह सोचकर उन्होंने जब हम सफर कर रहे थे तो हमसे यह बात शेयर की और उन्होंने ही यह बताया कि किस तरह जो है एक लड़की को एक कंक्रीट में जो है जिंदा दफनाया गया। तो वह जब यह बता रहे थे कहते कहते ही हुए पूरे आंखों से उनके जो है आंसू टपकने लगे और वे कहते हैं कि शायद ऐसा जिंदगी में कोई दुश्मन को भी नसीब ना हो इस तरह का जो है हादसा जो मैंने फेस किया है। मेरा तकलीफ जो है मैं शायद मरते दम तक यह नहीं भुला पाऊंगा। जो मित्र यह बात हमसे शेयर कर रहे थे वह शेयर करते करते उनकी आंखें जो है पूरी तरह से नम हो गई। वे कहते हैं कि डैम का कार्य जब प्रारंभ हुआ और काम चल रहा था लगभग 75% काम हो चुका था और कुछ ही काम जो है बाकी थे। उस समय जो है वहाँ पे उनको जो है एक गाड़ी में ले जाया गया था काम करने के लिए, तो वहाँ सब ठीक ठाक ही काम चल रहा था। फिर एक दो दिन का बाद जो है एक लड़की को एक लेडीज़ को जो है रात को लगभग 12 या 2 बजे के बीच जो है उस डैम में लाया गया। उनको यह अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर इतने रात को सभी सोते वक्त में आखिर इस लेडीज़ को यहाँ लाया क्यों गया। तो उन्होंने देखा जैसे उनको जो है वहाँ पे बांध के लाया गया है और वहाँ पहुँचने के बाद जो है उनको कह दिया गया, शायद लेडीज़ को बता दिए थे कि किस लिए लाए हैं। तो क्योंकि वहाँ वो चिल्ला भी नहीं सकती थी, एक जंगल के भीतर जंगल के अंदर वहाँ चिल्लाने पर भी उसको हेल्प के लिए कोई नहीं आने वाला था, उसको पता था, उसी वजह से वह चिल्ला भी नहीं पा रही थी। बस वह जो है सिर्फ अपने मौत का जो है इंतज़ार कर रही थी। उस लेडीज़ को वहाँ पे छोड़ के जो लोगों ने लाया था वे कहीं दूसरे तरफ चले गए। तब यह मौका देखकर जो हमारे मित्र जो बता रहे हैं वे उनके सामने गए और उनको पूछा कि तुम्हें यहाँ कैसे लाया गया। और वह कहती है कि मुझे काम देंगे बोल के लाया गया भैया, और मेरा कोई नहीं है। मुझे आधा दूर पहुँचने पर मेरे मुंह में पट्टी बांध दिए और हाथ पैर बांध दिए और यहाँ पहुँचने पर पट्टी खोले हैं। यहाँ तो पूरा जंगल है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यह कौन सी जगह है और मैं कहाँ आ गई हूँ। आप प्लीज़ भैया मुझे बचा लीजिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा है। आते वक्त मुझे पता चला कि ये जो है मुझे यहाँ पे दफनाने के लिए या फिर मारने के लिए शायद लाए हैं, क्योंकि अगर काम करने के लिए लाते तो ये मुझे बांध कर नहीं लाते। तो प्लीज़ भैया मुझे बचा लीजिए, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाइए, मैं आपके घर में नौकर की तरह काम करके आपको जो है हर सेवा जो कुछ आप बोलेंगे हर चीज़ मैं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लीजिए। यह कहते कहते वह औरत रो रही थी और बचाने की उनसे गुहार कर रही थी, मगर मेरे मित्र वो बचाते भी तो कैसे, क्योंकि वह तो खुद उनको यह नहीं पता था कि वह कौन से जगह में हैं और जाना किधर से, रास्ता किधर से, कहाँ पे जो शहर है उनको कुछ आइडिया कुछ जानकारी ही नहीं था। तो वे उनको कैसे बचाते जो खुद बचने में सक्षम नहीं थे। और उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर था कि जो भी इस डैम में डैम के पूरा ना होने तक स्ट्रिक्टली ऑर्डर फॉलो ना किया तो उनको वहाँ जिंदा दफनाया जाएगा। इसलिए चाह कर भी वह उस औरत को वहाँ पे मदद नहीं दे सकते थे। और शायद जहाँ तक लगता है वहाँ के प्रशासन को भी यह पता हो सकता था कि क्या चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य तो
कोई साधारण आदमी लोग यह चीज नहीं कर सकते। वहाँ जो डैम निर्माण में मिस्त्री लगे थे वे सारे बाहर से मंगवाए गए थे। उसके बाद जो हुआ, जो उन्होंने देखा, यह इंसानियत को शर्मसार कर देगा। उस औरत को उस डैम पे जिंदा चुनवा दिया गया। कहते हैं कि अगर डैम बनाते वक्त आदमी या किसी प्राणी को अगर वहाँ कंक्रीट पे ना दफनाया गया तो वह डैम कुछ सालों में टूट जाता है। इस वजह से उसे वहाँ दफनाया जा रहा है, ऐसा वहाँ के जो काम करने वाले लोग बता रहे थे उनको। खैर, वजह कुछ भी हो, मगर इसके बाद वे और वह मिस्त्री जो काम कर रहे थे, कुछ मिस्त्री तो काम करना बिल्कुल बंद कर दिए और वहाँ से वो जाने की जिद करने लगे। और जिन्होंने भी काम वहाँ पे किया उनको जो है 2 से 4 दिन के अंदर वहाँ से काफ़ी सारे पैसे देकर विदा कर दिया गया। और जो लोग भी वहाँ काम कर रहे थे शायद उनको कभी ज़िंदगी भर यह पता नहीं होगा कि वह किस जगह जाके यह काम किए थे। या जो है जो जिन लोगों ने वहाँ काम किया था वह जगह कौन सा था, कौन सा एरिया था, वो ज़िंदगी भर यह जान नहीं पाएंगे, क्योंकि रातों रात उनको लाया गया था और रातों रात ही उनको जो है वहाँ से भेजा गया था, जिसके वजह से उनको ना रास्ता का पता चला, ना उस जगह का पता चल पाया कि आखिर वहाँ कौन सा जगह था। लेकिन हाँ, जो लेडीज़ को जब पूछा गया कि उसका नाम क्या है और वह कहाँ से आई है, तो वह नम आँखों से उस लेडीज़ ने अपना नाम बताया। रोते बिलखते जो है उन्होंने जिस तरह कहा उनको कि भैया मैं मारिया हूँ और मैं फलना जगह से आई हूँ, मुझे प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, जिस तरह का उनका जो वाक्य था वह मेरे मित्र के कानों में कहते हैं हमेशा गूंजता है। जब भी वह अकेले में कहीं बैठते हैं तो वह आवाज़ उनके कानों में गूंजता है। तो यह वाक्य होने के बाद मेरे मित्र जो है कहते हैं कि दोबारा उन्होंने मिस्त्री काम ही छोड़ दिया और वे कहते हैं कि दोबारा मैं इस लाइन में जाना भी नहीं चाहता, ना ही इस काम को और दोबारा मैं करूँगा। तो दोस्तों, यह था वह दुख भरी दास्तां जो कि मैं कभी नहीं चाहता था कि किसी के सामने शेयर करूं, मगर जिस तरह मेरे मित्र ने अपना बोझ हल्का तो किया मगर मेरा दिल का बोझ बढ़ा दिया, तो मैं किस पे हल्का करूं, यह सोचकर मैंने आप लोगों से शेयर किया और अपने दिल का बोझ को जो हल्का करने की कोशिश की। आप जितना हो सके अपने दिल का अगर बोझ हल्का करना चाहते तो प्लीज़ इस वीडियो को है जितने हो सके लोगों को शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी हर उस लोगों तक पहुंचे जो कि बाहर काम करने जाते हैं या फिर बिना सोचे समझे जो है पैसा का लालच में बाहर चले जाते हैं और इस तरह जो घटना का सामना करते हैं। ना ही घर वालों को पता होता है, ना किसी को पता चलता है कि वहाँ वे लोग कहाँ गुम हो गए। तो इस तरह की घटना से बचने के लिए प्लीज़ आप इस वीडियो को हर उस लोगों को पहुँचाइए, ताकि वह इस लेडीज़ की तरह फ्यूचर में गलती ना करें। और कहना चाहता हूँ कि आगे भी मैं इस तरह का वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट मैं एक ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप सोचते पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे साथ जो घटना हुआ था वहाँ मैं आप लोगों के सामने घटना को रखूँगा, जो कि हम कुछ लोग जो है एक शादी में इस तरह फंसे थे कि पूरे गांव वाले जो है हमारे ऊपर जो है मारने के लिए चढ़ चुके थे, और किस तरह वहाँ से हम लोगों ने अपनी जान बचाई और किस तरह जो है 400-500 लोग से हम कुछ जो गिने चुने 40-50 लोग किस तरह बचे, किस तरह उनके धारदार हथियारों से किस तरह हम अपने आप को बचा पाए, यह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ इसके लिए जो आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ दोस्तों, 1 सेकंड सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।